ये मुझे मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 12 साल नहीं बल्कि मुझे इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा टाइम हो गया है इसको करते हुए। मेरी पहली फिल्म आई थी 86 में, गंगा की बेटी, जो सुपर डुपर हिट हुई थी, और तब से लेकर और अभी तक 31 साल पूरे हो चुके हैं। और 31 साल के बाद मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इसके लिए मैं भोजपुरी अवार्ड 2017 को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, और ख़ास तौर से विनोद गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद उनको, और एंटायर दिस इंडस्ट्री को, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया और इतना मेरे ऊपर विश्वास रखा। और 31 साल तक मैंने सभी भाषाओं में काम किया है, करीब करीब सभी लैंग्वेज में काम किया है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, सभी भाषाओं में काम किया है, लेकिन चूँकि भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, और इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपने घर में जब कोई सम्मान मिलता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। हाँ, वो बहुत अच्छा था, वो मैंने देखा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस बार बड़ा नयापन था अवार्ड फंक्शन के अंदर, और वो उन लोगों ने बहुत ही अच्छा किया था। मैंने तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया उस प्रोग्राम को देख कर, और उसमें सभी कलाकार थे, सभी करीब करीब अपने भोजपुरी के कलाकार थे, और उन्होंने मिलकर एक कंबाइंड एफर्ट करके 15-16 एक्टरों ने मिलकर एक साथ परफॉर्म किया था, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हाँ, रोजा जी तो खैर ये तो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं, इनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, भोजपुरी में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रोल किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह करती रहेंगी, और हमारे सभी लोगों का आशीर्वाद भी आपको इसी तरह मिलता रहेगा। एक्चुअली ये ग्रुप तो अलग अलग नहीं कहेंगे, मुझे लगता है कि ये इंटरटेन करने का हमारा सबका तरीका था। तरीका था, बहुत अच्छा तरीका। विलन्स ग्रुप ने तो अभी बहुत ही कमाल किया। हाँ, बहुत हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, तो एक नयापन था, बहुत मज़ा आया, और इसी तरह से अगले भी अवार्ड में हम लोग और अच्छा कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे और भी अलग कुछ नयापन लाएंगे और कुछ अच्छा करेंगे। 12 साल से ये अवार्ड, भोजपुरी अवार्ड, इतना सक्सेसफुली चल रहा है कि मेरे ख्याल से मैंने बाकी सभी अवार्डों को बंद होते हुए देखा है, लेकिन इज ए वन मैन शो, और जिसको विनोद गुप्ता जी इतने सफलता से चला रहे हैं, और भोजपुरी के सभी कलाकार, देखिए इसमें दिनेश लाल निरहुआ जी, पवन सिंह, और सभी नामी कलाकार, हीरोइने, सभी अच्छी अच्छी हीरोइने, सब लोग आए, मतलब ये सोच कर नहीं आए कि उनको अवार्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अरे और आपने हमारी परफॉर्मेंस भी देखी, क्योंकि बहुत अच्छा, टाइगर साहब ये वेट कर रहे थे। नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा दिया था, और सबसे पहला परफॉर्मेंस आप ही का था, और बहुत बढ़िया किया था इन्होंने, किया था। हाँ, रितु पांडे भी थी उसमें शायद, और मनोज टाइगर जी थे, और सभी करीब करीब कॉमेडियंस थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा उसमें काम किया। विलन्स का ग्रुप ने मिलकर कम्बाइंड काम किया, वो बहुत अच्छा किया उन लोगों ने, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही यूनिक अवार्ड फंक्शन देखा है मैंने, जो बिल्कुल बाकी अवार्डों से बिल्कुल अलग हटके था, और इसके लिए मैं बहुत बहुत भोजपुरी अवार्ड 2017 को बधाई देना चाहूँगा, और खास तौर से विनोद गुप्ता जी को, हम सबको भी आशीर्वाद, आप सब लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा साथ, हम हमें हमारी पूरी इंडस्ट्री, हम सब एक्टरों को आपकी पूरी दुआएं चाहिए कि हम लोग जिस तरह से आपने इतने सालों तक इंडस्ट्री में काम किया, हम लोग भी करते रहें, और मेरी यही दुआएं हैं कि आप लोग इसी तरह आप काम करते रहें, और जिस तरह मैंने इतने 31 साल काम किया, और अभी 31 साल मुझे बाकी हैं, अभी तो मेरी शुरुआत हुई है, अभी तो फिल्म बाकी है, पूरी की पूरी फिल्म बाकी है। मतलब ये कि लाइव अचीवमेंट मिलने से ये मत समझिए आप लोग, लाइव अचीवमेंट मिल गया तो बूढ़े हो गया, चलो अब अभी तो शुरुआत है मेरी, 31 ही मार रहा है अभी तक, 31 साल। हाँ, अभी तो और मारना है मैंने, अभी तो और मारने हैं, चौके छक्के अभी और मारने हैं, अगली बार देखिएगा, फिर आऊँगा अवार्ड लेने के लिए। 32 साल के, प्लीज 32 साल के हो ही जाएगा। चल, हम लोग ऊपर नहीं जाने दिया अभी, नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Planet Bhojpuri।